नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल गुरु में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कैप्सूल्स के बारे में। तो कैप्सूल्स भी एक तरीके का ट्रांसड्यूसर, ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो कि प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में चेंज करता है, मतलब कि इसका इस्तेमाल हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं दोस्तों। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि कैप्सूल का इस्तेमाल प्रेशर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि हमारा जो कैप्सूल है वो कैसे काम कर रहा है और वो कैसे बना हुआ है। दोस्तों ये जो आपके सामने मैं एक फ़ोटो बना के रखा हूँ, ये एक स्केमेटिक डायग्राम है कैप्सूल का। ये जो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो कैप्सूल है ये दो डायफ्राम से मिलके बना हुआ है, ये टू डायफ्राम से मिलके बना हुआ है। अब इस पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं ये प्रेशर, इनपुट प्रेशर दे रहा हूँ, वैसे वैसे ये एक्सपैंड कर रहा है। तो जितना ज़्यादा मैं प्रेशर दूंगा ये उतना ज़्यादा ही एक्सपैंड करेगा। तो इस वजह से जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डिस्प्लेसमेंट के। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि प्रेशर जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई कि हम कैप्सूल बनाएं दो डायफ्राम से मिला के दोस्तों, क्योंकि ये जो सेंसिटिविटी है कैप्सूल का वो डायफ्राम से बेहतर है। क्यों बेहतर है कि एक डायफ्राम के द्वारा मान लिया हमने कि एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पी प्रेशर पे, तो दो डायफ्राम के द्वारा 2x डिस्प्लेसमेंट होगा पी प्रेशर पे। तो कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा भी मैं अगर डिस्टॉर्शन यहाँ पे पैदा कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। थोड़े से भी डिस्टॉर्शन पे हमारा आउटपुट जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। तो इस वजह से जो सेंसिटिविटी है वो कैप्सूल की बेहतर होती है डायफ्राम के मुकाबले। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने डाउटफुल टॉपिक्स हमारे कॉमेंट बॉक्स में ऐसे ही डालते रहें, हम उस वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू।